subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो प्यारे दोस्तों, मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं एस्ट्रोलॉजी स्टार चैनल में। बहुत सारी चिंताएं होती हैं लोगों को, एंजाइटी वरी इतनी ज्यादा होती है, चाहे वो बच्चे हों स्कूल जाने वाले, चाहे बड़े हों, चाहे बूढ़े हों, सबको किसी ना किसी इसकी चिंता है। किसी को एजुकेशन की चिंता है तो किसी को पैसों की चिंता है, किसी को गर्लफ्रेंड्स की चिंता है तो किसी को बीवी की चिंता है, तो किसी को पेरेंट्स की चिंता है, तो किसी को बच्चों की चिंता है। चिंता 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 कहा जाता है चिंता चिता समान, क्योंकि चिंता करके कोई पर्पस सॉल्व नहीं होता है, अपना नुकसान ही होता है। हमारी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों पे बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। कहना आसान है कि चिंता मत करिए, पर जिनको होती है वो जानते हैं कि चिंता किए बगैर उनका गुजारा भी नहीं होता, उनको हमेशा चिंता ही लगी रहती है। एनीवे, मैं आपको कुछ प्रयोग बताऊंगा और इसमें दो तरह के प्रयोग हैं, एक तो ज्योतिषीय प्रयोग हैं और उससे पहले कुछ हॉलिस्टिक प्रयोग मैं आपको बताऊंगा, कुछ इस तरह की रेमेडीज जिनका मैंने अपने अनुभव में देखा है कि बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहली रेमेडी है कि आप ये मान के चलें कि ईश्वर जो भी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। गॉड इज ऑलवेज अ गुड गॉड, ईश्वर हमेशा अच्छे होते हैं। उन्होंने कुछ भी किया वो आपके अच्छे के लिए किया। हाँ, हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्होंने क्या अच्छा किया है अभी, पर अल्टीमेटली समझ में आ जाएगा कि क्या अच्छा हुआ है। ये अगर आप सोच के चलेंगे, बहुत अधिक संभावना है कि आपकी चिंताएं कुछ कम होनी शुरू हो जाएंगी। जबकि ये सोचना इतना आसान नहीं होता, पर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप सोचना शुरू करेंगे तो सोचने लग जाएंगे। मैंने पर्सनली ऐसा जब से सोचना शुरू किया है मेरे को बहुत रिलीफ मिला है। गॉड इज ऑलवेज अ गुड गॉड, ईश्वर हमेशा अच्छे होते हैं, अच्छे ही काम करते हैं, कभी बुरे काम नहीं करते। हमें कई बार दिखता नहीं है कि उनके कामों में अच्छा ही क्या है। दूसरा हॉलिस्टिक मेजर यह है कि आप मेडिटेशन जरूर करें, जरूर और जरूर, चाहे 2 मिनट की करें, चाहे 20 मिनट की करें, चाहे सुबह करें, चाहे दोपहर करें, चाहे रात करें, मेडिटेशन जरूर करें। जो मेडिटेशन आपको समझ में आती है, चाहे वो थर्ड आई मेडिटेशन हो, चाहे वो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन हो, चाहे वो ब्रीदिंग मेडिटेशन हो, कोई मेडिटेशन आप ले लीजिए। मंत्रा जाप अगर आप करते हैं वो भी एक तरह की मेडिटेशन होती है, वो भी आप कर सकते हैं। किसी हीलिंग म्यूजिक के ऊपर आप मेडिटेशन कर सकते हैं। वैसे हम अपने चैनल पर भी हीलिंग म्यूजिक लाने जा रहे हैं बहुत जल्दी, उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। और तीसरा होलिस्टिक प्रयोग यह है कि आप योगिक ब्रीदिंग करें, मतलब गहरी सांस लेनी है आपको, पर उसका एक तरीका है लेने का, मैं आपको बता देता हूं कि आप क्या करेंगे। पहले पूरा पेट और छाती भर के आप सांस ले लेंगे, फिर बिना रुके हुए, आपने सांस रोकनी नहीं है, धीरे धीरे आप एक्सहेल करेंगे, बाहर छोड़ेंगे धीरे धीरे धीरे। और मोबाइल पे स्टॉपवॉच लगा लीजिएगा, पहले आप 15 सेकंड में धीरे 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 छोड़ेंगे। 5-7 दिन आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। इस 15 सेकंड को 20 सेकंड कर दीजिए, फिर इस 20 सेकंड को 30 सेकंड, 40, 50, 1 मिनट तक आप पहुंच जाइए। आपको लगेगा कि आपका ना अंतर्मन बहुत मजबूत हो गया है, और अंतर्मन मजबूत होने की वजह से आपकी चिंताएं अपने आप कम होनी शुरू हो जाएंगी। ये स्लो प्रोसेस है, ये रेमेडी स्लो काम करती है बट श्योर काम करती है। आप इसको करके देखेंगे, यू विल फील द डिफरेंस। कैसे करना है, एकदम स्लो आपको एक्सहेल कर देना है, बिल्कुल स्लो। फिर आप दोबारा से सांस लेंगे, फिर धीरे से एक्सहेल कर देंगे। 5-6 रेपिटेशन से शुरू करके आप इसको 15-20-30 रेपिटेशन तक ले जाएं, धीरे 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 धीरे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको कोई जल्दी नहीं करनी है, और अगर आप कोई फिजिकल कंडीशन से आप ग्रसित हैं, कोई ब्लड प्रेशर या कोई लंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज अपने मेडिकल प्रैक्टिशनर से बात करके ये करेंगे। ओके, अब हम आते हैं ज्योतिषीय प्रयोगों के ऊपर। ज्योतिष में बहुत अच्छी रेमेडीज हैं जो चिंता पे बहुत जबरदस्त काम करती हैं। ज्योतिष की सबसे पहली रेमेडी है कि आप पक्षियों को दाना डालेंगे, कोई भी पक्षी कोई भी दाना डालेंगे, बस घर के बाहर डालना है। अपने घर की छत पे, छज्जे पे, बालकनी में बिल्कुल नहीं डालना है, ये एडवर्स इफेक्ट देगा आपको। आपको कहीं भी दूर किसी गार्डन में, चौराहे पे, सड़क पे, या कहीं पब्लिक प्लेस पे जहाँ पे बहुत सारे पक्षी होते भी हैं, वहाँ पे आपको दाना डाल देना है रेगुलरली, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में कर दें इसको। चाहे आप वेडनसडे टू वेडनसडे कर दें, या सैटरडे टू सैटरडे, या संडे टू संडे, जब भी करते चलें, रोज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी बात है।
परंतु ये आपको करना है, पक्षियों को दाना डालना। और अगर आप एफर्मेशन के साथ डालें, आप मन ही मन सोचते रहें कि जो पक्षी जैसे दाना खा रहे हैं ना, ऐसे ईश्वर मेरी चिंताएं दूर कर रही हैं, और ज्यादा बेनिफिट होगा। इसी के साथ जुड़ी हुई चीज है एनिमल केयर में ही, कि आपको आवारा कुत्तों को भी खाना डालना। आप रोटी, ब्रेड, दूध, जो आपके सामर्थ्य में आप डालना शुरू करें रेगुलरली, पर घर के बाहर। घर के अंदर ये काम नहीं करना, आप घर के बाहर आप कुछ भी डाल दें, और चिंता मत करें कि पक्षियों ने दाना खाया या नहीं खाया, कुत्ते ने रोटी खाई या नहीं खाई। आपने अपना कर्म करना है, वो अपना कर्म अपने आप कर लेंगे। दूसरा बहुत अच्छा उपाय है ज्योतिष से जुड़ा हुआ, जिसके मैंने 100% रिजल्ट देखे, वो है कि 10 महाविद्या से जुड़ा हुआ एक काली माँ के मंत्र है। वो मंत्र बल्कि हम अपने चैनल पर भी लॉन्च कर देंगे कुछ दिनों में। आप उन मंत्रों का या तो जाप करें या उन मंत्रों का श्रवण करें, केवल सुनते रहें। जब भी आपको टाइम मिले, सुबह, शाम, रात, दिन, कभी भी आपको जब भी समय मिले, बस आप ईयर प्लग लगाएं या ब्लूटूथ स्पीकर लगाएं और बस सुनते रहें, आप उसको लगातार सुनते रहें। यह भी बहुत अच्छी रेमेडी है और बहुत बढ़िया और बहुत फास्ट काम करती है। आपको कुछ 3-4 दिन में ये उपलब्ध हो जाएंगे, वीडियो या ऑडियो आपको उपलब्ध हो जाएंगे। इसके बाद एक और बहुत अच्छा उपाय यह है, जिसका हमने बहुत जबरदस्त रिजल्ट देखा है। तीसरा प्रयोग एक और बताने जा रहा हूं, जिसका बहुत फास्ट रिजल्ट है, बहुत अच्छा रिजल्ट है और इफेक्टिव रेमेडी है यह चिंता को दूर करने के लिए। और आपको यह करने के बाद पता भी नहीं चलेगा कि आपकी चिंताएं कहां गई, आप भूल जाएंगे कि आपको कोई चिंता थी भी। वो ये है कि आप गरीब लोगों को खाना खिलाएं रेगुलरली। यह भी आप संडे टू संडे, थर्सडे टू थर्सडे, किसी भी दिन कर लें, बट रेगुलर लेवल पे करें। ये आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप कहीं जो भंडारा या लंगर होता हो वहां पे आप कुछ खाने का सामान दे दें, आटा पहुंचा दें, सब्जी पहुंचा दें, तेल पहुंचा दें, चीनी, नमक, कुछ भी, कोई एक जिम्मेवारी लेके आप वहां पर देना शुरू कर दें। यह भी बहुत मदद करता है। गरीबों को आप खुद खाना खिलाएंगे, ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। उनको प्यार के साथ और बहुत सम्मान के साथ खाना खिलाना है आपको। उनसे बिल्कुल भी आपको दूरी नहीं बनानी, नफरत नहीं करनी। आप चाहे 9 लोगों को खिलाएं, 11 को खिलाएं या 100 को खिलाएं, अपने सामर्थ्य के अनुसार आप खिलाएं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। ये बात आप जरूर करना अगर आपको किसी भी तरह की एंग्जाइटी है, कुछ भी एंग्जाइटी है आपको, रेमेडी बहुत बढ़िया काम करती है ये वाली। और अगर आपको एंग्जाइटी की वजह से नींद नहीं आ रही है किसी कारण से, आपको एंग्जाइटी इतनी ज्यादा डीप चली गई है कि आप सो नहीं पा रहे हैं, रात को करवट बदलते जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, 10 काली मिर्च के दाने लेंगे और उन 10 काली मिर्च के दानों को अपने पिलो कवर के अंदर घुसा देंगे। बस अंदर आपने डाल देने हैं वो काली मिर्च के दाने और भूल जाना होगा, वो अपना काम करेंगे, आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। बहुत अच्छी रेमेडी, आप करके देखें, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इसका क्या रिजल्ट मिला। हाँ, जब आपको लगे काली मिर्च के दाने खराब हो गए या खो गए, गिर गए हैं, तो दोबारा से 10 दाने डाल दें, पुराने वालों को आप निकाल दें, फेंक दें, उनको डस्टबिन में फेंक दें। उनको कोई जरूरत नहीं है कि जल प्रवाह करना है या कुछ और करना है, उनको डस्टबिन में आप फेंक सकते हैं। दोस्तों, आखिरी उपाय, वो भी बहुत इफेक्टिव उपाय है, उसमें वास्तु के प्रिंसिपल्स का यूज करेंगे हम, कि जो आपका उत्तर पूर्व कोना है घर का या ऑफिस का या शॉप का या शोरूम का या आपका क्यूबिकल का, अगर कहीं जॉब करते हैं आप, तो वहां से आप लाल और पीले रंग को बिल्कुल हटा देंगे। या अगर कोई वहां पे फायर एलिमेंट है, कुछ आग से संबंधित चीज है, चूल्हा रखा हुआ है या हीटर रखा हुआ है, उसको आप बिल्कुल हटा देंगे और वहां पर जल तत्व से संबंधित कोई चीज रख देंगे। वहां पे आप पानी का घड़ा रख दें, एक पानी की कोई सीनरी लगा सकते हैं, नीले रंग का कुछ रख सकते हैं, नीले रंग का कर्टन, शो पीस, वॉल क्लॉक, फर्नीचर या कोई बैग या कोई बुक नीले रंग का, या काले रंग का कुछ रख सकते हैं, पर लाल या पीला हटा दें। यह आप करके देखें दोस्तों, आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी चिंता कब गायब हो गई है। और दोस्तों, इस YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है और आपको नए वीडियोस की जानकारी तुरंत मिल जाती है। और हमारे Instagram प्रोफाइल को आप फॉलो करें, उसका नाम है astrologystar23। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछें, मुझे जवाब देने में खुशी होगी। थैंक यू।